टोयोटा अपने इनोवा क्रिस्टा के नेक्स्ट जनरेशन इनोवा हाईक्रॉस को 25 नवंबर को ग्लोबली रिवील करने वाला है, पर उससे पहले कुछ स्पाई शॉट्स, लीक इमेजेस और इनोवा हाईक्रॉस के टीजर से 5 थिंग्स कंफर्म हो चुकी है जो कि हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो नंबर 1 है पैनोरामिक सनरूफ। अब तक की जितने भी इनोवा की जनरेशन हो चुकी है उनमें से किसी भी इनोवा में हमें सनरूफ देखने को नहीं मिली थी, पर अब इस बार टोयोटा ने इनोवा के इस नेक्स्ट जनरेशन इनोवा हाईक्रॉस में एक बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ इसमें दी है। नंबर 2, इनोवा हाईक्रॉस में 2 पेट्रोल इंजन मिलने वाले हैं, एक होगा माइल्ड हाइब्रिड और दूसरा होगा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, और ये दोनों ही इंजन पेट्रोल इंजन रहने वाले हैं, यानी कि इस बार टोयोटा के इनोवा में हमें डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल का इंजन टोयोटा इनोवा में मिलने वाला है, और उन दो इंजन में से एक होगा नेचुरली एस्पिरेटेड और दूसरा होगा 2 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन। नंबर 3, मोनोकॉक चेसिस। न्यू इनोवा हाईक्रॉस मोनोकॉक चेसिस पे बेस होने वाली है। इससे पहले जितने भी इनोवा के जनरेशन हो चुके हैं या फिर फेसलिफ्ट हो चुके हैं वो सारे के सारे लैडरॉन फ्रेम डिजाइन पे आते थे, पर इस बार टोयोटा ने अपने इनोवा हाईक्रॉस को मोनोकॉक चेसिस पे डेवलप किया है। इसके मदद से हमें न्यू इनोवा हाईक्रॉस में अच्छी हाई स्पीड स्टेबिलिटी और कम बॉडी रोल देखने को मिलने वाला है। नंबर 4, फ्रंट व्हील ड्राइव। अब तक इनोवा की जितनी भी जनरेशन हो चुकी है वो सारी की सारी रियर व्हील ड्राइव थी, पर इस बार टोयोटा अपनी इनोवा हाईक्रॉस को फ्रंट व्हील ड्राइव में लाने वाला है, जो कि बहुत सारे इनोवा फैंस को डिसअपॉइंट करने वाला है। लास्ट पॉइंट नंबर 5, टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस में एक बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलने वाली है, जिसकी साइज के बारे में तो अभी कोई भी आइडिया नहीं है, पर करंट जनरेशन इनोवा में जितनी साइज की स्क्रीन आती है उससे तो बहुत ही बड़ी इसकी साइज लग रही है इसके वीडियो में, और इस स्क्रीन को देख के हम ये गेस कर सकते हैं कि इसकी साइज जो है 10 इंच की हो सकती है। तो ये थी 5 कंफर्म थिंग्स अपकमिंग न्यू इनोवा हाईक्रॉस के बारे में। उसके अलावा तो न्यू इनोवा हाईक्रॉस का एक्सटीरियर और इंटीरियर तो फुल्ली चेंज हो चुका है, वहां पर तो अब कोई भी सिमिलैरिटी नहीं रही ओल्ड जनरेशन इनोवा और इनोवा हाईक्रॉस में। बाकी इनोवा हाईक्रॉस के बारे में पूरी डिटेल्स तो हमें 25 नवंबर को पता चल ही जाएंगी। तो यही था आज की इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।